राम राम भाई सारा ने। तो आज का टॉपिक जो है ना, हमने एक कहावत सुनी है, पैरों की धूल। कई बार जो है ना, हम किसी की तुलना जब करते हैं ना किसी दूसरे आदमी से, तो सामने से गुस्से में हमें जवाब मिलता है कि आप उसकी तुलना उससे ना करें, क्योंकि वो उसके पैरों की धूल के बराबर नहीं है। तो ये कहावत जो है माता सबरी राम भगत, उससे जुड़ी हुई है और ये उसी समय से चली आ रही है। तो भाई माता सबरी होया करती राम की दीवानी थी, राम को पाने की उसकी बड़ी प्रबल इच्छा थी। तो वो राम को पाने के लिए दर बर भटक रही थी कि राम को कैसे मिले, राम कहाँ मिलेंगे, राम को ढूंढने निकल पड़ी। तो वो अनेकों ऋषि मुनियों की कुटिया पर गई और उनसे अरदास भी की कि मुझे कोई राम से मिलाए, कोई राम से मिलने का तरीका बताए। तो जो है ना, सब ने मना कर दिया, क्योंकि वो एक औरत थी। तो इसलिए एक दिन जो है ना, वो मतंग ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। तो वहाँ पे मतंग ऋषि जी ने अपना गुरुकुल भी बना हुआ था और अपनी कुटिया बनाई हुई थी, अपना आश्रम बनाया हुआ था। तो वो मतंग ऋषि से जाकर उसने प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप मुझे अपना शिष्य बनाएं और मैं राम की दीवानी हूँ, मैं राम को पाना चाहती हूँ, तो मुझे राम के पाने का रास्ता दिखाएं। तो मतंग ऋषि ने उसको अपना शिष्य, अपनी बेटी बनाकर अपने गुरुकुल में उसको एडमिशन दे दिया। ऐसा करने पर अनेकों ऋषियों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की नहीं सुनी और सबरी को अपने गुरुकुल में एडमिशन दे दिया और उसको वहाँ पर शिक्षा देने लगे। तो सबरी बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। वो बहुत मेहनत से उसके गुरुकुल में और उसके आश्रम में कामकाज को उसने संभाल लिया और बहुत लगन से वो शिक्षा ग्रहण करने लगी और भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी। तो एक दिन मतंग ऋषि जो है, उनका समय नज़दीक आ गया और उन्होंने अपना चोला छोड़ना था। तो उसने सबरी को बुलाया और कहा कि हे बेटी, अब मेरा जो है समय निश्चित है, बहुत नज़दीक है, मैं जाने वाला हूँ और ये आश्रम और गुरुकुल मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू बहुत मेहनती है और ईमानदार है, तो इसे अच्छे से संभाल पाएगी और जिस मकसद के लिए तू आई है वो मकसद भी तेरा यहीं रहकर पूरा होगा। और इतना कहकर मतंग ऋषि ने चोला छोड़ दिया। तो सबरी बड़ी परेशान हुई और लेकिन उस ये बात उसके मन में घर कर गई कि मुनिवर ने कहा है कि जिस मकसद के लिए तू आई है वो मकसद तेरा जरूर पूरा होगा, तो मेरा तो एक ही मकसद है, श्री राम के पाने का। तो मेरे गुरु ने कहा है कि वो मकसद तेरा जरूर पूरा होगा, तो मेरे रामचंद्र जी एक दिन जरूर आएंगे। और वे यही इच्छा मन में लेकर, क्योंकि उसको टाइम का पता नहीं था ना, गुरु ने उसको टाइम नहीं बताया, बस ये बता दिया कि जिस मकसद से तू आई हो तेरा पूरा होगा। तो उसने तो इसी बात को अपना लक्ष्य बना लिया कि जरूर मेरे रामचंद्र जी आएंगे, क्योंकि मेरा तो यही लक्ष्य है। और वो डेली कुटिया में साफ सफाई करती, उसकी लिपाई करती, एक सुंदर आसन बिछाती और फूलों से सजाती और अपने भगवान की प्रतीक्षा में बैठकर उसका जप करने लगती। तो कुछ समय बीत गया। तो एक दिन उसके मन में आभास हुआ कि आज मेरे रामचंद्र जी आएंगे। तो उसने सोचा कि पास ही में एक तालाब था और उसने सोचा कि मैं वहाँ से पवित्र जल लेकर आती हूँ, जिससे मैं अपने रामचंद्र जी के चरण धोकर खुद पीऊँगी और अपने रामचंद्र जी के चरण धोऊंगी। तो पानी के लेने के लिए उस तालाब पर जाती है। तो उस तालाब पर पहले से ही एक ऋषि तपस्या कर रहा होता है। तो सबरी को देखकर बुरा भला कहने लगता है कि तू उल्टा है, कुलछनी है, तू क्या करने आई है यहाँ, इस जल को दूषित करेगी, तू भाग जाए यहाँ से। और ये कहकर सबरी पर पत्थर दे मारता है। जैसे ही ऋषि ने सबरी को पत्थर मारा तो सबरी के खून की एक बूंद उस तालाब में जा गिरती है
और तालाब का सारा पानी दूषित हो जाता है, लाल हो जाता है। वो दूषित तो क्या होना था, वो भगत का खून था, लेकिन ऋषि के कहने का यही तात्पर्य था कि इस जल को तूने अपवित्र कर दिया है। तो ऋषि देखता है कि ये जल जो है लाल हो चुका है, तो उसको बुरा बुला कहने लगा। वो रोती हुई अपनी कुटिया में आ जाती है और ऋषि अपनी लाख कोशिश करता है उस जल को जल में बदलने की, लेकिन वो रेड ही रहता है। तो थोड़ी देर में वहाँ पर रामचंद्र जी सीता को खोजते हुए उसी तालाब पर आ पहुँचते हैं और ऋषि उसको देखकर उसके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे रघुवर, रघुवंशी, आप इस जल को पवित्र करें और अपने चरणों को इस पानी में डुबाएं जिससे यह पवित्र हो सके। तो रामचंद्र जी मुस्कराने लगे और कहने लगे, हे ऋषिवर, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो जानते थे भी कैसे हुआ है। तो फिर आग्रह करने लगे ऋषि, अक नहीं, आप इसमें जरूर एक बार अपने चरण डुबाएं, आपके चरणों को स्पर्श करके ये पानी जरूर निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो रामचंद्र जी ने अपने चरणों को तालाब में डुबाया तो उससे कुछ नहीं हुआ, पानी वैसा का वैसा रहा। तो रामचंद्र जी ने मुस्करा कर पूछा कि हे मुनिवर, इसके रेड होने का कारण आप मुझे बताएं कि ये रेड कैसे हुआ। तो ऋषि जी कहने लगे कि यहाँ पास ही में एक कुटिया में एक उल्टा रहती है और उसी ने इस जल को दूषित किया है। तो रामचंद्र जी हंसने लगे कि हे मुनिवर, फिर तो उसी के स्पर्श से ये पानी पवित्र हो सकता है। तो इतनी देर में सबरी की अंतरात्मा से आवाज आती है, उसको आभास होता है कि मेरे रामचंद्र जी आ चुके हैं। तो वो दौड़ी हुई चली भागी दौड़ी चली आती है, श्री राम जी आए हैं, श्री राम, हे श्री राम, हे श्री राम, ये कहती हुई और दौड़ी चली आती है। तो जब वो दौड़ती हुई आ रही है, उसके पैरों की जो धूल उड़ रही है, उसके आने की आड़ से जो उसके पैरों से वो धूल उड़ रही है, वो धूल उड़ के उस तालाब में चली जाती है और वो पानी वैसा का वैसा हो जाता है निर्मल। इस दृश्य को ऋषि देख कर हैरान रह जाता है कि एक धूल मात्र से ही ये पानी पवित्र हो गया, ये ऐसा का ऐसा हो गया। और रामचंद्र जी के चरणों के लिपट कर रोने लगती है, हे श्री राम, मैं कब से आपकी राह देख रही थी, हे श्री राम। और रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर अपनी कुटी में लेके जाती है, आसन पर बिठाती है, कभी उसके हाथ चूमती है, कभी उसके पैर चूमती है, और इतना प्यार ऋषि बैठा बैठा देख रहा है। और वहाँ पर बेर पहले से ही उसने तोड़ के रखे हुए थे, तो वो सामने बिठाकर रामचंद्र जी को बेरों को चखे जा रही है और रामचंद्र जी को देते जा रही है, हे मेरे रघुवंशी, खाओ आप, ये बहुत मीठे हैं। और रामचंद्र जी बड़े प्यार से उन बेरों को खा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भैया, ये बेर जरा झूठे हैं। तो रामचंद्र जी हंसने लगे और कहने लगे, भैया, ये बेर झूठे नहीं हैं, ये बेर बहुत मीठे हैं, क्योंकि इन बेरों में मेरे भक्त सबरी का प्रेम का मिठास जो है, ये बहुत मीठे बेर हैं। ये सब देखकर ऋषि जी बहुत अपने आप को कोसने लगे और रामचंद्र जी से माफ़ी मांगने लगे और माता सबरी से भी माफ़ी मांगी। तो इसीलिए हमने किसी को भी अभद्र शब्द या कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अंदर से किसकी कहां पर लीव जुड़ी हुई है और कौन कितना भगत है और कौन कितना बुरा है। एक सफ़ेद पोशाक में रहने वाला इंसान क्या पता अंदर से कितना काला हो सकता है, और एक फटे हाल और बुरा गरीब आदमी न जाने उसकी मालिक की से कहां तार जुड़ी हुई लीव लगी हुई होती है। तो इसलिए हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को अच्छा बुरा कहने का। तो इसीलिए सबको आदर से और मीठा बोलें, भी सबका आदर करें। तो यही शिक्षा हमने इस कहानी से मिलती है। तो राम राम।